हेलो जी, नमस्कार, सलाम सत यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस सेशन आकाश वाई जूज नीट यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर के क्लास इलेवेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है बिकॉज़ फिजियोलॉजी के ये चैप्टर्स आगे एम बी बी एस में भी पढ़ने हैं आपने बहुत डिटेल में पढ़ने हैं हमेशा बताता हूँ बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे आगे आप गाइटन गेनोंग टोटोरा मार्टनी मरीब सलादिन बहुत सारी खूबसूरत किताबें हैं इंडियन ऑथर्स की भी हैं ए के जैन की किताब आती है फिजियोलॉजी में बहुत अच्छी इंदु खुराना की किताब है बहुत अच्छी फॉरेन ऑथर्स में भी बहुत अच्छी अच्छी, अच्छी बुक्स हैं लॉरेंस शेरवुड की किताब बहुत अच्छी है फिजियोलॉजी की मेरा तो फिजियोलॉजी हमेशा से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेवरेट सब्जेक्ट रहा है इसीलिए पढ़ाते समय जो है मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बातें बताता हूँ फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सबको तहे दिल से नमस्कार प्रणाम आप सबके माता पिता को भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार बहुत से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हैं जो लेक्चर्स देखते हैं लाइव साथ में मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप ये मैसेजेस मुझे भेजते हो चलिए डाइजेशन एंड एब्जॉर््शन का आज सेकेंड लेक्चर है इसका मतलब है इससे पहले एक लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं एल वन लेक्चर जो हो चुका है आज एल टू है पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको न्यूट्रिशन क्या होता है ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक इसके बारे में बताया था इसके अलावा हमने पहले लेक्चर में जिक्र करा था टंग के बारे में डिटेल में मैंने टंग का स्ट्रक्चर बताया था आपको ट के ऊपर पेपिले होते हैं पेपिले में टेस्ट बर्ड होते हैं अलग अलग तरह के स्वाद बताए थे स्वीट सॉल्टी सोर बिटर उमामी टेस्ट का भी जिक्र हमने अपने पिछले सेशन में किया था आई एम श्योर आप सब लोगों ने वो अटेंड किया होगा जिन लोगों ने किसी कारणवश वो पहला सेशन अटेंड नहीं करा मेरी सलाह जरूर मानिए प्ले अवेलेबल है चैनल पर वो जरूर अटेंड कर लीजिएगा सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है वंस अगेन प्यार भरा नमस्कार सलाम सत चलिए जी बीच बीच में आप लोगों के नाम भी पुकारता रहूंगा और थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं जैसा कि अपने हर सेशन की शुरुआत में एक प्यारी सी कोटेशन के साथ करता हूं आज मेरे पास क्या कोटेशन है आपके लिए हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं नीट की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं कुछ बच्चे नीट 2023 देंगे कुछ बच्चे नीट 2024 देंगे मुश्किल है रास्ता आई अंडरस्टैंड फिजिक्स में इतनी सारी चीजें पढ़नी है केमिस्ट्री में इतनी सारी चीजें पढ़नी है बॉटनी में जुअलॉजी में मुश्किल है नामुमकिन नहीं है राइट आपको सफल बेहतरीन डॉक्टर बनना है तो फिर इस प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा सो बेहतरीन दिनों के लिए अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है मैं आपके साथ हूँ मेरी गाइडेंस हमेशा आपके साथ है मेरी गुड गुडविशेज आपके साथ हैं और आपकी अपनी मेहनत है तो सफल तो हम होंगे ही होंगे डेफिनेटली ठीक है जी मानसी स्वास्तिका सूरज बिक्रम इलाही ममता ममता को कोटेशन पसंद आई है ममता आप कमेंट भी करती रहती हैं वीडियोस पे और मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई भी करता हूँ राइट हलो जी हाय सूरज गरिमा वेलकम जी वंस अगेन सबका तहे दिल से स्वागत है ऑल माय राजा बेटा एंड ऑल माय रानी बेटियां याद रखिए वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है चलो छोटी सी बात आकाश बायजूस की ये एंड्राइड ऐप अपने सेल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए चाहे आप एंड्राइड फोन इस्तेमाल करते हैं चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं ये ऐप सभी के लिए है 14 दिनों का फ्री ट्रायल है बेहतरीन फीचर्स हैं उन्हें एक्सप्लोर जरूर कीजिए चलो अब मैं शुरू करता हूं आज का सेशन आपकी प्यारी प्यारी लाइक्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को हिट कर लो ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक जरूर पहुंच पाए तो बताइए जी इजाज़त है आपकी तरफ से कैन आई स्टार्ट विद द सेशन आज मैं टीथ के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आप सबको बताने वाला हूं चलिए छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ा था कि भाई बकोफेरेंजियल कैविटी है उसके बाद ईसोफेगस है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन साथ ग्लैंड भी एसोसिएटेड हैं जैसे लिवर है पैनक्रियाज है गॉल ब्लैडर है सबका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है अपने पिछले सेशन में हमने शुरुआत बको फेरेंजियल कैविटी से करी थी याद है आपको वी हैव स्टार्टेड विद बको फेरेंजियल कैविटी ठीक है सारे सेशन के पीडीएफ नोट्स भी मैं आप लोगों को देता हूं टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए चैनल वहां पे पीडीएफ नोट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं अपने सभी सेशंस के so, cavity, stomach, intestine. Intestine के के सो बको फेरेंजियल कैविटी स्टमक स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन 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 एंड लार्ज नाम आगे जरूर लगा है कि वो स्मॉल है पर वो स्मॉल नहीं है वो लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ज्यादा होता है इसलिए हम उसे लार्ज कह देते हैं अगर आपको याद हो बको फेरेंजियल कैविटी को हमने दो भागों में बांटा था बकल कैविटी एंड फैरिंग्स बकल कैविटी हमारा माउथ जो है बकल कैविटी की रूफ में पैलेट है जिसे हिंदी में तालू कह देते हैं बकल कैविटी के साइडों में दांत है आपके टीथ हैं जी और बकल कैविटी की फ्लोर पे जुबान है टंग है पैलेट के बारे में भी बताया था पिछले सेशन में बकल कैविटी में जो पैलेट है इसका आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट है पीछे का हिस्सा सॉफ्ट पैलेट है सॉफ्ट पैलेट में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है नाम याद है उसका गले में वो जो हैंगिंग लोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है कि जब आप खाना स्वेलो करते हैं तो वो ऊपर नेजो फेनिंग्स में ना चला जाए वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करता है वेन यू स्वेलो द फूड बिल्कुल सही बिक्रम ने शगुफ्ता ने अरित्रा ने सबने सही जवाब दिया है सारा ने भी कि सर उसे यूवियला कहते हैं सॉफ्ट पैलेट के पास है पवन मुस्कान तान्या आपका जवाब भी सही है एकदम बिल्कुल जी बड़ा मजा आता है आप लोगों के 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 नाम साथ के साथ पढ़ बड़ी खुशी होती है कि भारत के कोने कोने से बच्चे जुड़ते हैं मेरे साथ टंग के बारे में मैं बता चुका हूं तो ये सब मैं आपको रिकॉल करा रहा था कि जो मेरा पहला सेशन हुआ है एल वन उसमें ये सारी बातें ऑलरेडी कवर्ड हैं ठीक है जी दिक्रम कैसे मुंह खुल रहा है आज हमने क्या पढ़ने दांतों के बारे में टीथ राइट जी तरह तरह के टीथ बताऊंगा हेलो सूरज हेलो पवन हेलो अंकित बेटा चलो एक काम जरूर कर लो लेक्चर का लिंक जो है अभी लाइव अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए नेक कर्म आप अपनी तरफ से करिए उसका फल पॉजिटिव आपको डेफिनेटली मिलेगा जिस तरह की एनर्जी हम इस ब्रह्मांड को देते हैं यूनिवर्स को देते हैं द सेम काइंड ऑफ एनर्जी कम्स बैक टू यू सो स्प्रेड लव पीस पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड गुड कोर क्वालिटी एजुकेशन ऑल्सो दांतों की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं यदि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं अपनी कॉपी में तो ये बड़ी ही अच्छी बात है स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी नाउ मूवमेंट ऑफ द टंग टंग की जो मूवमेंट्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट इन पासिंग फूड अक्रॉस द अपोजिंग सर्फिस ऑफ टीथ जो जुबान है हमारी कितना सारा काम करती है टंग इज हाईली मस्कुलर ग्लैंडुलर एंड सेंसरी स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड और मिक्सिंग ऑफ द फूड जुबान जो है एक ब्रश की तरह भी काम करती है दांतों को साफ करने के लिए जुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो खाने का हमें टेस्ट देते हैं राइट right जी मेस्टिकेशन का मतलब क्या है समझते हैं आप मेस्टिकेशन मतलब च्यूइंग भोजन को चबाना मेस्टिकेशन ब्रेक्स डाउन टफ कनेक्टिव टिश्यूज इन द मीट एंड द प्लांट फाइबर इन द वेजिटेबल मैटर भाई अगर हम खाना नहीं चबाएंगे पेट में पहुंच जाएगा डाइजेस्ट तो वो तब भी हो जाएगा लेकिन चबाने का फायदा क्या है इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया विच फैसिलिटेट एनजाइम एक्शन खाना जब हम चबाते रहते हैं दांतों से च्यू करते रहते हैं सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है च्यूड फूड प्लस सलाइवा इज कॉल्ड बोलस खाना जो आपने चबा लिया और वो खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो गया उसे बोलस कहते हैं तो दांतों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भोजन को चबाने में ठीक है जी जुबान जो है इट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू सेचूरेट द मटीरियल विद सलाइवरी सिक्रेशन एंड एनजाइम्स अब ये दृश्य देख करके कहीं आप डर तो नहीं जाएंगे आप में से हर किसी को कभी ना कभी डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करना जरूर पड़ा होगा है ना ये नौबत जरूर आई होगी नहीं आई तो कभी ना कभी जीवन में ज़रूर आएगी भाई दांत निकलवाना एक बड़ा ही पेनफुल प्रोसीजर लगता है आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पे ये सर्जरी का वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए ये सर्जरी करने के लिए है ना दिल भी बड़ा मजबूत होना चाहिए दांत पकड़ के किसी का निकालना हाँ एनेस्थेटाइज किया होता है पहले सुन्न कर देते हैं उतने हिस्से को और वो उतना हिस्सा ना सूझ भी जाता है अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था यहीं दिल्ली में ही तो काफी दिनों तक मेरा मुंह भी सूजा रहा था उसमें चलो जी वेल well, <coughs> दांत का एक जर्नलाइज स्ट्रक्चर देखते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल टूथ हैज थ्री मेजर एक्सटर्नल रीजन बाहर से देखने में तीन मेजर एक्सटर्नल रीजन नजर आएंगे एक तो दांत की जड़ होती है जिसे हम रूट कहते हैं दो रूट्स हो सकती हैं या तीन रूट भी हो सकती हैं अलग अलग दांतों में ये वाला मिडल रीजन नेक कहलाता है और ऊपर वाला क्राउन कहलाता है हमारे जो दांत हैं ह्यूमन टीथ जो हैं थीकोडोंट हैं थीकोडोंट का मतलब आप समझते हैं थीकोडोंट का मतलब होता है टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट जबड़ा जो है उसमें धंसे हुए हैं दांत क्राउन ऊपर से दिखता है क्राउन इज द विजिबल पोर्शन अबव द लेवल ऑफ द गम मसूड़े जो हैं हमारे गम्स जो हैं उससे ऊपर हमें क्राउन नजर आता है दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट एंड दांतों के जो है रूट एक जो है वो वन हो सकती है टू हो सकती है या थ्री रूट भी हो सकती हैं विस्मिता आपने भी सही कहा है चले जी क्राउन के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है दांतों का जिक्र आते ही हमें इनामल का जिक्र जरूर आता है इनामल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी क्राउन इज द एक्सपोज पार्ट ऑफ द टूथ ये ऊपर वाला हिस्सा क्राउन है इट प्रोजेक्ट्स अबव द गम्स एंड इट इज कवर्ड बाय हार्ड वाइट शाइनी मटीरियल दैट इज कॉल्ड एनेमल याद रखना एनेमल इज दार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी धीरे धीरे वक्त के साथ इस एनेमल में भी हलका पीलापन आ जाता है या अगर आपको टॉफिया चॉकलेट खाने का बड़ा शौक है जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे मुंह में शुगर्स होंगे बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे बैक्टीरिया एसिड बनाएंगे वो एसिड दांतों में छोटे छोटे छेद कर देते हैं कैविटीज कहते हैं हम जिन्हें सादी भाषा में कह देते हैं दांतों में कीड़ा लग गया तो ब्रश करने की आदत ना दो बार रखो एक बार सुबह जब सो के उठते हो रात को सोने से पहले भी ब्रश करके जरूर सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है जी क्लियर है मानसी बेटा चलो आगे बढ़ सकते हैं नेक no. के बारे में क्या बातें याद रखनी है नेक इज द दिडल पार्ट ऑफ द टूथ कंस्ट्रिक्टेड जंक्शन ऑफ द क्राउन एंड द रूट इंटरनली जो है डेंटाइन फॉर्म्स द मेजोरिटी ऑफ द टूथ डेंटीन या डेंटाइन कह देते हैं मेजर पार्ट जो है वो डेंटाइन बना रहा है अब आप ये क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखिए ऐसे सेक्शन काट के आपको दिखाया गया है डेंटाइन में कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू है राइट right? एंड इट इज हार्डर दैन बोन बिकॉज ऑफ द हायर कॉन्टेंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है यहाँ पे जिसके कारण ये बहुत ज्यादा सख्त है ये बहुत ज्यादा हार्ड है दांत के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पल्प कैविटी भी दिखाई गई है कैन यू सी दिस दिस इज एनामल एनेमल के नीचे डेंटाइन उसके नीचे पल्प कैविटी राइट right? और ये ये अंदर सीमेंट है लेफ्ट साइड में देखिए दिस इज क्राउन

इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे थीकोडोंट दांत हैं जीवन काल में दो बार दांत आते हैं एक मिल्क टीथ होते हैं एक हमारे डेसिडस टीथ होते हैं उनका जिक्र करेंगे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते उस समय क्या मुझे बता सकते हैं किस एज पे छोटे बच्चों के दांत आ जाते हैं न्यूबॉर्न बेबी में तो टीथ नहीं है एक बच्चा जब एक महीने का होता है तब दांत आते हैं दो महीने का होता है तब दांत आते हैं ये कब आते हैं बताइए मुझे हाँ जी हेट्रोडोंट टीथ है हमारे मतलब इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर अलग अलग तरह के दांत हैं सिक्स मंथ्स रिंकू ने सही कहा है एक बच्चा जब छः महीने का होता है ना तो दांत आने शुरू हो जाते हैं टूथ इरप्शन एट बिगिन मंथ्स ऑफ एज इंसीजर्स आते हैं सेंट्रल इन्सीजर्स अपर भी आ सकते हैं लोअर भी आ सकते हैं इलाही ने भी बिल्कुल सही कहा है राशिद ने भी सही कहा है रूट के बारे में याद रखिएगा बेसल पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड इन बोन। इसीलिए राजा बेटा हम अपने दांतों को थीकोडोंट कहते हैं ये टर्म याद रखिएगा। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट कि थीकोडोंट डेंटिशन का मतलब क्या है सभी मैमल्स में थीकोडोंट है ऐसा नहीं हमारे में और भी तो कितने सारे मैमल्स हैं हेलो सिद्धार्थ बेटा चलिए ना ये सवाल पूछ सकते हैं विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी इज इनैमल इट इज टुथ इनल देखो कितना हार्ड होता है लेकिन फिर भी फिर भी कीड़ा लग जाता है दांतों में हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड एनैमल इज से बाय अमीलो ब्लास्ट सेल्स अपनी नोट्स कॉपी में ये बात लिख लो मैं तो पीडीएफ नोट्स दूंगा ही आपको आप भी अपने नोट्स बना लो रनिंग नोट्स बड़े अच्छे होते हैं राइट right जी सो इनेमल इज सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल्स इनेमल ए वेस्कुलर है यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है नॉन रीजनरेबल भाई एक बार चला गया एनेमल इरोड हो गया दोबारा नहीं आएगा फिर इनैमल ठीक है जी राइट right? क्लियर है आशुतोष चले आगे बच्चे नेक्स्ट देखें जी वेल well, अब यहां से शुरू होती है बात टूथ इरप्शन की इट बिगिन बाय सिक्स टू एट मंथ्स ऑफ एज जर्नली छः महीने का जब बच्चा होता है ना तो दांत आ जाते हैं आपने ये पढ़ा होगा कि न्यूबॉर्न बेबी जो है वो मदर के मिल्क पे फीड करता है लैक्टेशन पढ़ा है ना अपने ब्रेस्ट फीडिंग तो छः महीने तक तो डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सक्लूसिवली माँ को अपना दूध बच्चे को देना चाहिए छः महीने के बाद धीरे धीरे माँ का दूध हम छुड़वा सकते हैं बच्चे के दांत आने शुरू हो जाएंगे जब बच्चे के दांत आने शुरू हो जाएंगे तो मदर के निपल्स पे बाइट भी करेगा पेन होगी दर्द होगी है ना तो हम उसे धीरे धीरे सेमी सॉलिड फूड पर डाल देते हैं हल्का सा केला मैश के दिया दाल का पानी दिया कि भाई अब दांत आ रहे हैं इसके आपने एक चीज और देखी होगी बच्चे अपना अंगूठा भी चूसते हैं या कोई भी चीज उनके हाथ में पकड़ा हो सीधे मुंह में डाल लेते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं जब दांत आ रहे होते हैं ना बच्चों के तो बड़ी इरीटेशन होती है गम्स में इसीलिए वो चबाते रहते हैं आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को सूदर्स भी देते हैं या टीथर भी देते हैं देखा आपने जेल जैसे मटीरियल का बना होता है बच्चे उसे चबाते रहते हैं हैव यू सीन दिस थिंग बताइए मुझे प्रवीण अनिकेत खुशी जो बात मैं कह रहा हूं आप लोगों ने देखा है घर में छोटा बच्चा होगा या कहीं अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में बच्चे को टीथर देते हैं चबाने के लिए राइट right. बिल्कुल जी चल सेंट्रल इंसीजर्स आर फर्स्ट टू इरप्ट ध्यान रखना कि भाई सबसे पहले आने वाले दांत कौन से हैं बीच वाले इंसीजर्स मैं अलग अलग दांतों के बारे में बताऊंगा आपको इंसीजर्स -मोलर्स, -मोलर्स। अच्छा, के में जो पपीज होते हैं कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भी जब दांत आने वाले तो उनको भी देते हैं ना हड्डी चबाने के लिए वो इसीलिए देते हैं राइट हाँ डोनट शेप्ड होता है सग्निक ने कहा सग्निक रॉय जो चबाने के लिए बच्चों को देते हैं वो इसीलिए क्योंकि जब दांत आ रहे हैं ना तो इरिटेशन होती है ऐसे झुंझलाहट होती है तो उनका मन करता है चबाएं किसी चीज को राइट जी ट शब्द का मतलब है कि जीवन काल में दांत दो बार आते हैं एक बार तो आ गए जब बच्चा छह महीने का हुआ धीरे धीरे टीथ होना शुरू हुए जब बच्चा लगभग डेढ़ दो साल का होता है ये ढाई साल तक भी तो उसके मिल्क टीथ आ जाते हैं फिर बच्चा जब छह साल का होता है ना तो दांत टूटने शुरू होते हैं छह साल की उम्र से लेकर बारह साल की उम्र तक मिल्क टीथ दे आर लॉस्ट एंड परमानेंट टीथ इरप्ट तो अगर आपके परमानेंट टीथ टूट गए फिर वो दोबारा नहीं आने वाले ठीक है जी ह्यूमन टीथ इसका मतलब है टू सेट्स ऑफ टीथ डेवलप उन टू सेट्स ऑफ टीथ का नाम क्या है वन इज मिल्क टीथ और टीथ। शब्द का मतलब ना जो झड़ जाएंगे जो टूट जाएंगे गिर जाएंगे और फिर दोबारा आ जाएंगे सेकेंड इज परमानेंट टीथ बेटा परमानेंट टीथ टूट गए तो फिर वो दोबारा नहीं आने वाले ठीक है आप यहां पे पूरा जॉ देख पा रहे हैं ये अलग अलग दांत दिखाए गए कितने सुंदर लग रहे हैं ये दांत ओके जी नॉर्मल टाइम पीरियड फॉर ग्रोइंग ऑफ विजडम टूथ में सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपके मन में कोई सवाल रह जाएगा सेशन को आगे बढ़ने तो दीजिए राइट ना द फर्स्ट टू अपीयर आर द टीथ जिन्हें टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ भी कहते हैं प्राइमरी डेंटिशन के हैं डेडसो कॉल्ड प्राइमरी टीथो कॉल्ड टीथ सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं क्रिस्टल क्लियर तरीके से मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ज्यादातर बच्चों में 20 डेसिडुअस टीथ होते हैं अभी हम डेंटल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एडल्ट्स का भी खुशी बेटा और छोटे बच्चों का भी एडल्ट्स का आपको पता है टू वन टू थ्री बाई टू वन टू थ्री छोटे बच्चों के केस में प्री नहीं होते एंड मोलर्स आर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्री तो दांतों में कोई गैप नहीं होता कोई डायस्टिमा नहीं होता छोटे बच्चों में ना ऑन ईच साइड ऑफ द अपर और द लोअर जॉ प्राइमरी डेंटिशन कंसेस ऑफ टू इंसीजर्स वन कस्पेड एंड वन पेयर ऑफ डेसिडर्स मोलर्स यानी छोटे बच्चों में टू वन टू बाय टू वन टू ये बच्चों का डेंटल फॉर्मूला है मैं पूरी चीजें आगे एक्सप्लेन करूंगा डरना मत दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर चिल्ड्रन अब आप ध्यान देना मैंने इसमें जीरो नहीं लिखा कई बुक्स में आप देखेंगे टू वन जीरो टू बाई टू वन जीरो टू जीरो लिखना टेक्निकली गलत है राइट क्योंकि जीरो रिप्रेजेंट स्पेस अ गैप अ डायस्टिमा ऐसा नहीं होता छोटे बच्चों में जो मोलर्स हैं वो प्री मोलर्स की जगह पे हैं प्री मोलर्स नहीं हैं दांतों को लिखते समय हम कैसे लिखते हैं इनसीजर्स कैनाइंस मोलर्स मतलब ये इनसीजर्स हैं बच्चे के ये कैनाइंस हैं और ये मोलर है प्री मोलर है ही नहीं यहाँ पे ये वाले जो प्री मोलर नहीं हैं तो मोलर्स आर प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ प्री मोलर्स इतनी बात क्लियर हुई जी पूजा बेटा इनरेलीवेंट चीजें मत पूछिए बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड बात कीजिए मिल्क टीथ आर replaced by secondary डेंटिशन सेकेंडरी डेंटिशन को परमानेंट डेंटिशन भी कहते हैं अच्छा आप सोचिए आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया होगा कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्यों टूट जाते हैं कोई मुझे बता सकता है जो हमारे मिल्क टीथ हैं वही क्यों नहीं कॉन्टिन्यू रह जाते आगे ऐसी क्या जरूरत है दांत टूटेंगे बच्चों के फिर दोबारा जा के छः से बारह साल के बीच में जब दांत टूट रहे हैं फिर दोबारा आएंगे क्यों वाई डू वी हैव

तो बड़ा हो गया जबड़ा तो भाई फिर दांत उसमें फिट ही नहीं बैठेंगे नहीं आदर्श परमानेंट एक बार टूट जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे परमानेंट में थ्री एडिशनल मोलर्स अपियर ऑन ईच साइड ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ एज द इंडिविजुअल एजेस मैं अभी थर्ड मोलर का भी आपको जिक्र करूंगा विजडम टूथ कहते हैं ना जिससे लास्ट मोलर जो होता है विजडम टूथ अकल दाड़ भी जिसे कहते हैं अठारह साल की उम्र के बाद आएगा कुछ लोगों में नहीं भी आता जरूरी नहीं है सब में विजडम टूथ हो राइट right जी क्लियर है सो so, में जो दांत होते हैं वो बत्तीस होते हैं एडल्ट में दांत बत्तीस हैं थर्टी टू थर्टी टू कैसे हैं हम कहते हैं ना टू वन टू थ्री बाय टू वन टू थ्री इन सीजर्स Molars and molars. इस पूरे को दो से गुणा करते हाफ ऑफ बोथ जॉज आधे जा का ऊपर का आधे जॉ का नीचे का है तो इसीलिए दो से गुणा कर रहे हैं ताकि पूरे का मिल जाए ऊपर वाले दांतों को जोड़ दीजिए दो और एक तीन और दो पांच और तीन आठ तो आठ गुना दो ऊपर हो जाएंगे सोलह दांत ऊपर है और आठ गुना दो नीचे हो जाएंगे सोलह दांत नीचे है इसलिए कुल मिला के बत्तीस दांत हैं हम कहते हैं ना बत्तीस तोड़ दूंगा तेरी जब कभी हम लड़ाई करते हैं किसी से तो बत्तीस दांत हैं ध्यान रखिएगा सोलह ऊपर है सोलह नीचे है। और ये जो फॉर्मूला होता है ना ये हाफ है आधे का है ऊपर वाला भी आधा है और नीचे वाला भी आधा इंपैक्टेड टीथ आपने सुना है एनी टीथ दैट डेवलप इन लोकेशन इन कॉल्ड इंपैक्टेड टीथ बहुत टेढ़े मेढ़े भी कई बार दाम पीछे उग जाते हैं तो सर्जरी करके निकालने पड़ते हैं इम्पैक्टेड विजडम टीथ कैन बी सर्जिकली रिमूवड टू प्रिमेंट द फॉर्मेशन ऑफ द एपसेज पस पड़ जाती है कई बार जो विजडम टूथ है ना ये बड़ा परेशान करता है जब ये दांत आता है ना तो बड़ा पेनफुल भी हो जाता है कुछ लोगों में टेढ़ा मेढ़ा उग जाता है अंदर की तरफ धसने लगता है तो सर्जरी करके फिर हम इसे निकाल देते हैं विजडम टूथ अकल वाली दाढ़ जिसे कहते हैं लास्ट मोलर थर्ड मोलर और द विजडम टूथ में नॉट इरप्ट बिफोर द एज ऑफ ट्वेंटी कुछ लोगों में अठारह साल उन्नीस बीस इक्कीस साल तक आ जाता है कुछ लोगों में नहीं भी आता जडम टीथ में फेल टू इरप्ट बिकॉज दे डेवेलप इन इन अप्रोप्रिएट पोजिशन और बिकॉज स्पेस इन पीपल डो नॉट है ना बेटा इन्हें वेस्टीजियल माना जाता है ध्यान रखिएगा कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेस्टिजियल टीथ कौन से हमारे थर्ड मोलर और द लास्ट मोलर क्लियर हुई इतनी बात राइट जी क्लियर है ठीक है जी प्रवीण सिद्धार्थ थैंक यू सो so मच सिद्धार्थ बेटा गॉड ब्लेस यू जानवरों के केस में देखते हैं भाई दांत अच्छा दांतों को क्लासिफाई करने के अलग अलग आधार हैं वी कैन क्लासिफाई टीथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेसमेंट इन द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस इन लाइफ कि मोनोफायोडोंट हैं डाइफायोडोंट हैं या पॉलीफायोडोंट हैं पॉलीफायोडोंट मतलब जब दांत एक बार टूट के फिर आ जाएं फिर टूट जाएं फिर आ जाएं जैसे सांप के वो जो जहरीले दांत होते हैं फैंग्स फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर पॉलीफायोडोंट सपेरे उनके जहरीले दांत निकालते हैं वो फिर से दोबारा आ जाते हैं है ना तो सभी जानवरों में ये अलग-अलग तरह की सिचुएशन है मेरे बेटा नाउ दांतों को क्लासिफाई कर रहा हूं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे ना हेट्रोडोंट टीथ होते हैं एंड होमोडोंट होते हैं होमोडोंट दांत को आइसोडोंट भी कहा जाता है आइसोडोंट मतलब या होमोडोंट मतलब ऑल द टीथ आर ऑफ सेम टाइप कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें इंसीजर कैनाइन प्री मोलर ऐसा कुछ नहीं होता सारे दांत एक जैसे हैं वेल में भी ऐसा होता है डॉल्फिन में भी ऐसा है Heterodont का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से तीखे वाले दांत सेनाइंस प्रीमोल एंड मोलर्स तो ह्यूमन बींग्स में ऐसा है एंड मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स में ऐसा है डॉल्फिन में देखा आपने सारे दांत एक जैसे लग रहे हैं ना अच्छा कुछ वेल्स ऐसी होती हैं इन सर्टन वेल्स टीथ आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन जब वेल एम्ब्रियो मदर के गर्भाशय में में यूट्रस डेवलप हो रहा है तभी दांत होते हैं कुछ वेल्स में ऐसा होता है आफ्टर बर्थ टीथ आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी प्लेट इन द जॉब दैट इज कॉल्ड बेलीन प्लेट है मिनट इसको करेक्ट कर देते हैं जी बेलिन बी ए एल डबल ई एन बेलीन प्लेट इसको ना वेल बोन भी कहते हैं इट एक्स इट एक्ट्स एज अ सीव छननी का काम करती है वेल्स में एक्ट्स एज सीव फॉर स्ट्रेनिंग प्लैंक वेल्स में आपने देखा है ऐसे मुंह में पानी भरती है और फिर ब्लो होल से पानी निकल जाता है ऊपर और उनके दांतों में छोटे-छोटे चिपके हुए रह जाते हैं इस छननी के कारण राइट right जी बेलिन प्लेट इसके बारे में, है, लिजर्ड में दांत होते हैं लिजर्ड का खोल के देखेंगे हम चीता के दांत दिख रहे हैं आपको कितने भयंकर तरीके से कैनाइंस जो है कार्निवरस जानवरों में हाईली डेवलप्ड होते हैं फाड़ करनी है उन्हें सीजर्स का काम तो होता है कटिंग एंड बाइटिंग भी तो करते है, अपने अपने में जो टंग होती है न, बड़ी खुर्दरी होती है राइट इनमें जो फिलीफॉर्म पैपिले हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं टंग to फिलीफॉर्म पैपिले में टेस्ट वर्ड नहीं होते एलिफेंट के बाद टीथ का भी जिक्र करेंगे शेगुफ्ता बेटा अभी humans जो हैं हम लोग जो हैं हैट्रोडोंट है, है। भैया हैट्रोडोंट का मतलब क्या है हमारे पास अलग-अलग तरह के दांत हैं एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ सब में 32 हो जरूरी नहीं है कुछ लोगों में विजडम टूथ नहीं होता तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनमें 28 दांत भी होते भाई मेरे पास तो खुद विजडम टूथ नहीं है है ना मेरे तो 28 दांत ही हैं बत्तीस नहीं हैं जी क्लियर है जी धनंजय कह रहे हैं आई हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट आई टू गिव नीट एग्जाम इन इंग्लिश इट इज पॉसिबल नीट एग्जाम का जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें ऑप्शन है अंग्रेजी में चाहिए पेपर हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी हिंदी दोनों में चाहिए जैसा चाहिए मिलेगा कोई टेंशन नहीं है ठीक है जी सैग्निक आगे बढ़े बच्चा सो so, हमारे पास हैं इनसीजर्स सीजर्स प्रीमोलर्स एंड मोलर्स

अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अलग अलग तरह के दांत दिखाए जा रहे। हैं। Can you see जी? ये मेरे पीछे भी आपको दिख हैं। Caesar, canine, ना वॉलरस कार्वर है walrus के केस में जो उसके टस्क हैं टस्क समझते ना आप सब बच्चों ने सुना होगा हम कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और टस्क ऑफ एलिफेंट जो होते हैं ना दे आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स टस्क ऑफ एलिफेंट आर आप में से किसी ने सवाल पूछा है तो मैं बता रहा हूं दे आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स लंबे होते रहते हैं एशियन एलिफेंट में ओनली द मेल हैज अफ्रीकन एलिफेंट में मेल एंड फीमेल बोथ हैव दीज इनका इस्तेमाल भी किया जाता है देखा होगा हाथियों का शिकार कर लेते हैं लोग उनके दांतों के लिए हाथी दांत का चूड़ा भी बनाया जाता है ज्वेलरी बनती है ऐसी वॉलरस के केस में बिल्कुल सही कहा आशुतोष ने टस्क ऑफ वॉलरस जो है वॉलरस देखा आपने समुद्र के किनारे बैठा होता बड़ा सा जानवर वॉलरस में जो टस्क होते हैं ना टस्क आर मॉडिफाइड कैनाइन अब आप ये देखो एनसीआर में भी ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है अगर मैं यहाँ पे नाम ना लिखू देखो इनसीज की जगह एक्स कैनाइन की जगह वाई प्रीमोलर की जगह जेड मोलर की जगह भी कुछ लिख दूं तो आपको पहचानना है सो so, आप देख पा रहे इन सीज कैसे होते हैं कैनाइन कैसे होते हैं प्रीमोलर कैसे हैं मोलर्स कैसे हैं सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट दी टीथ इनसीज कितने हमारे आठ हैं कैसे इनसीजे आठ कैसे हैं डेंटल फॉर्मूला देखो टू वन टू थ्री बाई टू वन टू थ्री एडल्ट में यही तो है इन सीजर्स कैंस प्रीमर्स इनसीजर्स आठ कैसे हो गए देखो ना ये ऊपर मैंने दो लिखे लेकिन ये तो आधे जॉ का फॉर्मूला है ना आधे जॉ का तो यानी चार इंसिजर ऊपर है चार इंसिजर नीचे हैं तो टोटल हो गए आठ ब्लेड शेप एक ही रूट होती है कटिंग ये क्लिपिंग दे फॉर उंड हाथियों के झुंड को बहुत दूर से ये पता चल जाता है कि आसपास कोई हाथी है बिकॉज वो इंफ्रासोनिक साउंड से कम्युनिकेट करते हैं राइट right? हाथी की जो सूंड होती है ट्रंक इट इज दॉडिफाइड अपर लिप एंड नोज मॉडिफाई हो जाता है टस्क तो मैंने बता ही दिया आपको हाथी के कान ईयर पिन्ना कितना बड़ा बड़ा है वो मूव करता रहता है हाथी की चमड़ी बड़ी मोटी होती है उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है बाल बहुत कम है उसके शरीर पे इसीलिए हाथी अपनी सूंड में कीचड़ और पानी भर के अपने ऊपर डालते रहते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए अपने कान ऐसे ऐसे वो क्यों करते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है वहां पर तो हीट लॉस होगा वहां से अपने आप को ठंडा रखने का ये मैकेजम है है ना इंटरेस्टिंग बात आपको मेरी बातें अगर पसंद आती हैं लेक्चर मजेदार लगता है तो लाइक जरूर दबाया करो ठीक है और रेगुलर मिलो मुझे मैं क्लास का सिलेबस भी इसी चैनल पे करा रहा हूं ट्यूसडे और थर्सडे को बजे होता है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है और अब मैं उसमें जेनेटिक्स शुरू करने वाला हूं चाहे आप क्लास इलेवंथ के स्टूडेंट है तब भी आप जेनेटिक्स जरूर पढ़िए ट्यूजडे एंड थर्सडे को पांच बजे एंड एवरी फ्राइडे में आपको छे बजे मिलता हूं ठीक है जी राइट मेरे बच्चे ममता सूरज राशिद सिद्धार्थ चलो आगे बढ़ते हैं No, ये मैंने आपको दिखा दी ठीक है जी कैनाइन को कस्पिड भी कहते हैं कैनाइंस जो है वो चार हैं कैसे फॉर्मूला देखो टू वन टू थ्री बाय टू वन टू थ्री ठीक है जी तो ये कैनाइंस एक और एक दिखाया इसका दुगना कर दो क्योंकि आधे आधे का है तो दो ऊपर दो नीचे डेगर जैसे हैं। डेगर समझते खंजर जैसे हम कहते हैं इनको आई टीथ भी कहते हैं ध्यान रखिएगा सिंगल डीप रूट है एंड दे आर यूजफुल फॉर टीयरिंग श्रेडिंग ऑफेंस एंड डिफेंस पियरिंग पियरसिंग चीर फाड़ करने के लिए कार्निवोरस जानवरों में कैनाइन्स जो है वो हाइली डेवलप्ड होते हैं जैसे मैंने कहा टस्कस ऑफ वॉलरस दे आर मॉडिफाइड प्री प्रीमोलर्स जो होते हैं वो आठ होते हैं ह्यूमंस में चार ऊपर वाले जॉ में चार नीचे वाले में फ्लैटेंड क्राउन विद प्रोमिनेंट रिज क्राउन में आप रिजस देख पा रहे हैं ठीक है जी अपर जॉ में जो प्रीमोलर है उनकी दो जड़ें होती हैं लोअर जॉ वालों की एक जड़ होती है क्रशिंग मैशिंग ग्राइंडिंग इस परपज के लिए है मोलर्स जो होता है दाढ़ जिसे हम कह देते हैं बारह है कैसे है जी टू वन टू थ्री बाय टू वन टू थ्री इन दांतों का जिक्र हो रहा है मोलर्स का तीन का दुगुना यानी छऊ ऊपर और तीन का दुगुना यानी छ नीचे तो टोटल ये मिला करके हो गए बारह सो देट क्राउन है प्रोमिनेंट रीजन चीक टीथ भी कहते हैं अपर जॉ वाला जो मूलर है उसमें तीन जड़े हैं लोअर जॉ वाले में दो जड़े हैं ये ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के लिए है सो हम दांतों को क्लासीफाई कर रहे थे एंड हेट्रोडोंट दांतों को हम इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट इन द जॉ बिल्कुल हार्दिक आपने सही कहा जॉ में किस तरह से प्लेसड है इसके आधार पे एक तो होता है थीकोडोंट आप ये भी कह सकते हैं दैट दिस क्लासिफिकेशन Is on the basis of attachment on the basis of attachment with jaw socket right with jaw socket कुछ दांत ऐसे हैं जी बिल्कुल मजबूती से धसे हुए हैं जॉ सॉकेट में that इज थी जैसे हम में राइट right? कुछ होते हैं एक्रोडोंट

क्रोकोडाइल में भी मिलते हैं क्रोकोडाइला रेप्टाइल क्रोकोडाइल के कितने खास फीचर्स आपने पढ़े क्रोकोडाइल में हार्ट भी आपने पढ़ा था फोर चेंबरड है उनके दांत जो हैं क्रोकोडाइल के थीकोडोंट हैं प्ल्यूरोडोंट जो होता है टीथ ऑन द लेटरल साइड ऑफ द जॉ जैसे ये जॉ है सपोज है ना ऐसे साइड में है लिटरली सॉरी लिटरली अटैच्ड हैं रेप्टाइल्स में ऐसा है एक्रोडोंट टीथ जो होते हैं टीथ ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द जॉबोन या हम ये भी कह देते हैं जो है, उनका बड़ा ही सुपरफिशियल अटैचमेंट है और वो आसानी से टूट सकते हैं फिशेज में, है, में ऐसे दांत पाए जाते हैं अब आप ये देख लीजिए थीडोन टीथ बिल्कुल धंसा हुआ है प्लियूरोड में अटैच है एंड एकट बेचारा ऐसे है जैसे बिल्कुल बस ऊपर रखा ही हुआ है आसानी से उखाड़ो तो उखड़ जाएगा शार्क के केस में ऐसा है क्लियर है जी राइट राजू द सेशन? आगे बढ़ते हैं। ये सॉकेट आपको नजर आ रहा है जहां पे दांत होते हैं ठीक तो हमने कहा था एक और आधार है दांतों को क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपियरेंस इन लाइफ या हम ये भी कह सकते हैं दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट की जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं क्या वो मोनोफायोडोंट हैं? क्या वो डायफायोड हैं? या वो पॉलीफायोडोंट हैं? मोनो मतलब एक डाय मतलब दो पॉली मतलब बार बार मोनोफायोड टीथ जो होते हैं टीथ अपीयर ओनली वंस इन लाइफ जैसे लास्ट मोलर इन द ह्यूमंस, विजडम टूथ जीवन काल में एक बार आता है डायफायोड वाली बात हो गई व्हेन टीथ अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ मेजोरिटी ऑफ द मेमल्स में डायफायोड डेंटिशन है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ वाली बात है है ना पॉलीफायोडोंट मतलब टीथ अपियर मेनी टाइम्स इन द लाइफ राइट दे कैन बी रिप्लेस्ड मेनी टाइम्स पॉलीफायोडोंट मतलब टीथ कैन बी रिप्लेस्ड मैनी टाइम्स अब यहां पे ना एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सांप के जहर वाले दांत होते हैं फैंग्स कहते हैं उन्हें फैंग्स ऑफ स्नेक्स आपने सुना होगा सपेरे जो हैं जहरीले सांप पकड़ते हैं हम कहते हैं ना उसके दांत निकाल रखे तो दांत निकाल देते हैं वो फैंग्स फैंग्स द सर्व एज हाइपोडर्मिक नीडल्स फॉर इंजेक्टिंग पॉइजन इनटू द विक्टिम्स बॉडी सांप का जहर उसका मॉडिफाइड सलाइवा है सांप की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं

जब बच्चा डेढ़ साल से दो साल का होता है ना तो उसके मिल्क टीथ कंप्लीट हो जाते हैं right? राइट दो साल का कोई बच्चा देखना ढाई साल का उसका मुंह खुलवा के देखना कि तुम्हारे दांत हैं, दांत गिनना कितने बीस दांत होंगे राइट right? जी ट्वेंटी टीथ ऐसे हैं जो जीवन काल में दो बार आते हैं और बारह दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में एक बार ही आते हैं राइट right? जी कौन कौन से प्री मोलर्स और फिर चार मोलर्स वो जीवन काल में एक बार तभी बत्तीस ना बीस दांत जो मिल्क टीथ वाले हैं वो तो टूट जाएंगे फिर ये बीस के बीस दोबारा आएंगे और उसकी जगह बारह और एडिशनल आ जाएंगे ये बारह और एडिशनल कौन से होंगे एट प्रीमोलर्स प्लस फोर मोलर्स क्लियर है जी टी थार रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ मिल्क आपको याद है आपका आखिरी दांत कब टूटा था आप कौन सी क्लास में थे आप 11 साल के थे 12 साल के थे कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि भाई हम थोड़े बड़े थे तब टूटा कि अभी हम नाइन्थ क्लास में थे 14-15 साल के तब हमारा दांत टूटा है हाँ ऐसा भी हो सकता है जरूरी नहीं है सब में ये छह से बारह साल में ही हो जाए हाँ का बिल्कुल सही कह रहे हैं प्री मोलर्स भी तो एक ही बार आए लाइफ में राइट जी विशाल क्लियर है मेरे बच्चे ठीक है जी

इतनी बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर स्लाइड्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगी डॉक्टर सचिन कपूर के सेशंस में ही मिलेंगी सो so, बिल्कुल अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि एवरी फ्राइडे हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है फ्राइडे फिजियोलॉजी सिक्स ओ क्लॉक डॉक्टर सचिन कपूर चैनल आकाश नीट यूट्यूब चैनल ट्यूजडे एंड थर्सडे को पांच बजे हमें क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस पढ़ना है मेरे साथ ठीक है तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ ऑर्डर होता है इनसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर राइट हम ये भी कह सकते हैं डेंटल फॉर्मूला इज एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ बोथ जॉज राइट जैसे ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला Adults का अलग है बच्चों का अलग है मिल्क टीथ में देखिए हमने लिखा ना इनसीजर्स दूं बहुत सी बुक्स में आपको जीरो लिखा हुआ मिलेगा और बहुत सी बुक्स में नहीं भी मिलेगा वैसे टेक्निकली जीरो नहीं लगाना चाहिए जीरो रिप्रेजेंट्स अ स्पेस खाली जगह तो स्पेस तो है ही नहीं वहां पे बिकॉज प्रीमोलर नहीं है तो मोलर उसकी जगह पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है जी अब आप देखो इनसीजर्स कैनाइंस डेंटल फॉर्मुला पे क्वेश्चन जरूर आता है ध्यान रखिएगा डेंटिशन इन मैमल्स नेवर एक्सीड फोर्टी फोर चवालीस से ज्यादा दांत मैमल्स में प्लेसेंटल मैमल्स में नहीं होते राइट कुछ एक्सेप्शन हो सकती है अपोसम इज एन एक्सेप्शन दैट इज मार्सूपियल पचास दांत होते हैं घोड़े के केस में हॉर्स और पिग केस में डेंटल फॉर्मूला जो होता है ना मैं बता दूं आपको हॉर्स में पिग में इट थ्री वन फोर थ्री बाय थ्री वन फोर थ्री चौवालीस बनेंगे बाईस और बाइस नीचे पढ़े कंगारू जैसे मार्सुपियल है तो ओपोसम में पचास दांत होते हैं याद रहेगा जी क्लियर है ना अब ये कुछ ब्रांचेस हैं डेंटिस्ट्री की जो आप जान लीजिए एंडोडोटिक्सोडिक्स पेरियोटिक्स कुछ डेंटिस्ट के क्लिनिक के बाहर तो बड़ी बड़ी टर्म्स लिखी होती हैं। जो है पल्प रूट पेरियोडोन लिगमेंट एंड एल्व्यूलर बोन यह आ जाता है एंडोडोंटिक्स में स्पेशलाइजेशन है। बी जैसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बाद आगे ये कोर्सेज होते हैं ऑर्थोडोंटिक्स द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री दैट इज कंसर्न्ड विद प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मली अलाइनड टीथ टेढ़े-मेढ़े दांत जैसे उन्हें दुरुस्त करने का जो एक्सपर्ट है ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो ब्रांच है पेरिओडोंटिक्स ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री कंसर्न्ड विद ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ टिश्यूज इमीडिएटली सराउंडिंग द टीथ पेरी मतलब आसपास दांत के आसपास जो जगह है वहां पे कोई अब्नॉर्मैलिटीज है जिंजीवाइटिस जैसे वो पेरियोडोनटिक्स के अंतर्गत आते हैं क्लियर है जी इतना राइट right, देखो अंकित ने कहा मॉस्किटो के दांत होते हैं बड़ी अच्छी बात कही आपने वेरी गुड जी मॉस्किटो पकड़ना और उसका मुंह खोल के देखना जरा दांत है कि नहीं है उसमें ग्रेट आर एन फिजियोलॉजी में मजा आ रहा है बिल्कुल जी मजा आना चाहिए मैं जरा पानी पी लूं फिर मैं आपको ग्लैंस के बारे में बताता हूँ आप देख लीजिए क्या लिखा है तब तक स्क्रीन पे एंड मैं चाहता हूं कि आप नोट्स भी साथ के साथ जरूर बनाते रहिए आपके सेल्फ मेड नोट्स आपके सबसे अच्छे साथी हैं ट्रस्ट मी राइट right, बिल्कुल चिराग आपने सही कहा अपर एंड लोअर जॉ का जो याद रखिए ना मैंडीवल कौन सा जॉ और मैक्सिला कौन सा जॉ है ठीक है जी ओके डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड ग्लैंड विद इन एलिमेंट्री कैनाल एक्सेसरी ग्लैंड में सेलेवरी ग्लैंड आ जाती है लिवर है पेनक्रियाज है इन सबके बारे में पढ़ना है और ग्लैंड आर विद इन द एलिमेंट्री कैनाल उसमें स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इंटेस्टाइन में इंटस्टीनल ग्लैंड कितने लोगों को भूख लग गई है देख करके बर्गर घर में भी बना सकते हैं बर्गर आप बंद लीजिए सिंपल आलू की टिक्की बनाइए टमाटर लगाइए प्याज लगाइए और बर्गर बना लीजिए <laughs> ओके बर्गर मैंने क्यों दिखाया दांतों से ये बर्गर चबाएंगे भैया जब चबा रहे हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स होगा ना तो हम सलाइवरी ग्लैंड का जिक्र करने जा रहे हैं देखिए इस खूबसूरत सी एनिमेशन के जरिए आपको अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड दिखाए गए हैं क्या आप देख पा रहे हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ह्यूमंस में थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं पैरोटिड कान के पास है सबमैंडिबुलर जॉ के पास है इधर जुबान के नीचे सबलिंगुअल है गौर से देखिए पैरोटिड कान के पास नजर आ रही है। नीचे जॉ के पास लोअर जॉ में सबमैंडिबुलर और जुबान के नीचे सबलिंगुअल है ना खूबसूरत सी बात आदर्श प्रवीण चल आगे बढ़ते हैं

सलाइवा हमेशा मुंह में रहना जरूरी है ताकि मुंह को जो है वो मॉइस्ट रखा जा सके दांतों की और मुंह की सफाई की जा सके सलाइवा की कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे इसमें एंटीबैक्टीरियल कॉम्पोनेंट्स है लाइसोजाइम है इसके अलावा थायोसाइनिट आय भी होते हैं लेक्टोफेरिन होता है वेन फूड एंटर्स द माउथ जैसे ही भोजन आपके मुंह में जाएगा सलाइवा सिक्रीशन बढ़ जाती है सलाइवा लुब्रिकेट्स डिजॉल्व एंड बिगिन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड जब मैं केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ़ द फूड का जिक्र करता हूं इसका मतलब है, में कुछ ऐसे हैं जो को करना कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को आपकी बक्कल कैविटी में ही वो माल्टोस आइसो माल्टोस एंड लिमिट डेक्सट में टूट जाता है यही कारण है जब आप ब्रेड या रोटी चबाते हैं तो मीठा स्वाद आने लगता है ठीक है जी मुर्शीद अफसार क्लियर है नाउ अफसार ने पूछा जय का मतलब बताओ बेटा बड़ी इरेलीवेंट बात लगती है ये मैं टीथ के बारे में पढ़ा रहा हूँ सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और आप क्वेश्चन फेंक रहे हैं जय बताओ जब कभी फिजिकली आ, कोचिंग में आप पढ़ते हो या टीचर के सामने बैठ के आप पढ़ रहे होते हिम्मत होती है आपकी ऐसे उठपटांग सवाल पूछने की कीबोर्ड गैंगस्टर्स मत बनिए कि आपके हाथ में कंट्रोल है तो आप कुछ भी बनीवेंट क्वेश्चन पूछेंगे है है ना ये गलत बात है। आप कभी भी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे अगर ये इस तरह की बेहुदा हरकतें आप करेंगे क्लियर है जी राइट right? अनुराग आपको पीडीएफ नोट्स तो यही मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स आप साथ के साथ बना सकते हैं क्लियर है जी आपके प्यारे प्यारे लाइक आते रहने चाहिए साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड एंड मेजर सलाइवरी ग्लैंड माइनर मतलब छोटी मोटी जैसे होठों के आसपास भी हैं लेबियल ग्लैंड हमारी गाल के अंदर वाली साइड में बकल ग्लैंड हैं पैलेट पर पैलेटल हैं, जुबान के ऊपर लिंगुअल हैं। तो तो ये सब हो गई माइनर सलाइवा का भी बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए। आपसे ज़्यादा चीज़ें आती मुझे। एक बार पढ़ते तो रहो साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर ठीक है जी? सलाइवा का क्या? एक -एक जूस का दूंगा आपको मोस्ट ऑफ दिक्रीटेड बाय मेजर सलाइवरी म्यूकोसा तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ मेजर सलेवरी ग्लैंड्स दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन ह्यूमंस में कितने पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के भाई तीन पेयर होते हैं कौन-कौन से तीन पेयर होते हैं एक पेयर पैरोस का है दूसरा सब मैंडिब्युलर सलाइवरी ग्लैंड है इनको सब सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं ह्यूमन में सब मैंडिब्युलर वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स में हम सब मैक्सिलरी वर्ड यूज कर लेते हैं एंड सब लिंग ग्लैंड लिंग्वाइज योर टंग जुबान जुबान के नीचे सब लिंगल ग्लैंड होती हैं Perotid के बारे में क्या क्या बातें याद रखना कान के पास है। perotid का स्किन एंड दर मसल दिक्रीट सलाइवा इन टू ओरल कैविटी डक्ट डेवरी ग्लैंड की जो पैरोटिड ग्लैंड है ना इनकी duct को कहते हैं डेंसन तीनों अलग अलग की तीनों की डट अलग अलग है डक्ट 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 ऑफ 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 रिविनस ओलंपियाड के लेवल के ये क्वेश्चंस हैं जो आपको बता रहा हूं लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखें ना आज से छः सात साल पहले के जो क्वेश्चंस आते थे पीएमटी एग्जाम्स में तो तब यहां पे ये चीजें भी पूछी जाती थी मैं आपको इसलिए पूरा ब्रॉडली डिटेल में तैयारी करवा रहा हूं अरित्रा बेटा सुनो ओके जी सो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को डक्ट ऑफ स्टेंसन कहते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसलिए इनके पास डक्ट है इट पियर्सिस द बकिनेटर मसल टू ओपन इन टू वेस्टिब्यूल ऑपोजिट टू सेकंड अपर मोलर टूथ ये बात ध्यान रखना यहां पे पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड है कान के पास इसकी डक्ट है डक्ट ऑफ स्टेंसन इट ओपन नियर द अपर सेकेंड मोलर टूथ वॉटरी सीरस लिक्विड कंटेनिंग सेलिवरी माइलेज पैरोटेड ग्लैंड लार्जेस्ट जरूर है लेकिन पेरोटेड ग्लैंड मैक्सिमम सलाइवा नहीं बना रही पेरोटेड ग्लैंड जो सिक्रीट कर रही है मुर्शाद उसमें मेनली सलेवरी एमलेज एनजाइम है

ठीक है जी तो अगर इसका सही से इलाज ना किया जाए तो समस्या भी हो सकती है सब मैंडीब्यूलर सलाइवरी सब एनिमल्स में फ्लोर ऑफ द माउथ इनकी डक्ट होती है डक्ट ऑफ वॉटन राइट जी एंड इट इज ओपनिंग नियर दिंगल सिंपली याद रखिए इट ओपन नियर दी लिंगुअल फ्रेनुल बिलो द टंग

तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी जरूर कीजिएगा आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं हमें और ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए और बेहतरीन लेक्चर लेकर के आए हर्ष पटेल आप लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा मुझे ये कमांड मत लिख के भेजिए रिपीट करो ऐसा नहीं होगा उसी तरह से बिहेव कीजिए जितना जिस बेहतरीन तरीके से आप अपने स्कूल में या आप अपनी कोचिंग क्लास में बिहेव करते हैं ये मत समझिए कि मैं आप तक सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रहा हूं तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है और वो दो मिनट का काम है क्लियर है जी राइट वंडरफुल ऑल मई राजा बेटा एंड रानी बेटिया अब आपको समझ आया पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन यही सूज जाती है छोटे बच्चों में पैरामाइक्सो वायरस के इंफेक्शन के कारण मम्स कहते हैं जिसे हिंदी में कनपेड़े कहते हैं क्लियर है जी चलिए सलाइवा की कॉम्पोजिशन वेरी टेंट ये सवाल पूछा जाता है नीट में सलाइवा में मैक्सिमम पानी है 99.5 परसेंट थोड़े बहुत और सोल्यूट हैं मतलब बाकी चीजें हैं बाकी चीजों में आयन हैं बहुत सारे सोडियम पोटाशियम दी सोडियम एंड पोटाशियम दे एक्ट एक्टेज बफर्स क्लोराइड आय का काम होता है क्लोराइड आयन एक्टिवेट

आप सिर्फ चीनी रखिए जुबान पे पहले जुबान को पहुंच लीजिए किसी चीज से सूखा कर दीजिए चीनी का स्वाद नहीं आएगा जब तक वो डिसॉल्व नहीं होती वी कैन टेल टेस्ट ऑफ़ फ़ूड सब्सटेंसेज वेन दे आर इन देर लिक्विड फॉर्म डिजोल्व गैसेज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी है सलाइवा में थोड़ा बहुत यूरिया यूरिक एसिड है म्यूकस है वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन ए कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं इज इज एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सलाइवा द सिक्रिटरी एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए शॉर्ट में कह देते हैं आई जी ए सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है

positive bacteria तो सलाइवा का ये एक एंटी बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट है जब हम सोते हैं सुबह उठते हैं मुंह से दुर्गंध भी आती है वो इसीलिए सोते समय सलाइवा सिक्रीशन डाउन चली जाती है तो जो माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स हैं उन पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं एसिड्स बनाते हैं गैसेस बनाते हैं ठीक है जी मोहन जिसके कारण जो है मुंह से स्मेल आती है तभी मैंने कहा ना रात को ब्रश करके सोना चाहिए सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज है एक डाइजेस्टिव एंजाइम है सेलेवरी एमाइलेज के अल्टरनेट नाम याद रखना सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम को ही डायस्टेस भी कहते हैं और इसी एंजाइम को टाइलिन भी कहते हैं याद रखना है बायकार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर द एसिड फूड इन द सलाइवा सलाइवा का जो पीएच है वो कितना रहता है सिक्स पॉइंट थ्री फाइव सिक्स टू सिक्स पॉइंट एट फाइव बेस्ट है राइट जी इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सेलिवरी अमाइल एंजाइम है इसके लिए बेस्ट पीएच क्या है म्यूकस जो है इट लुब्रिकेट्स द फूड सो दैट इट कैन बी मूव्ड अराउंड इजीली इन द माउथ च्यूड फूड प्लस सलाइवा को बोलस कहते हैं ना हम याद है आपको यह बात च्यूड फूड प्लस सलाइवा इज बोलस कैन यू सी हि ऑल द टाइप्स ऑफ टीथ प्री मोलर एंड मोलर टीथ इन सीजर यू कैन सी द डिफरेंट ग्लैंड पूरे का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा यही खूबसूरती है हमारे इस प्लेटफॉर्म की कि आपको बेहतरीन क्वालिटी नोट्स बेहतरीन क्वालिटी लेक्चर भी मिलता है इसलिए जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर करें सलाइवा के फंक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन एल्फा ए फॉर एल्फा प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब सो दे कैनोट पेनिट्रेट द एपिथीलियम लाइसोजाइम किल्स बैक्टीरिया लेक्टोफेरिन भी होता है सलाइवा में आयरन से बाइंड करता है इट इज एन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन इन सलाइवा इट बाइंड्स टू आयरन एंड स्टॉप्स द बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन ठीक है इट इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक कॉम्पोनेंट ध्यान रखना बैक्टीरियोसाइडल कौन है बैक्टीरियोस्टेटिक कौन है सो दिस इज बैक्टीरियोस्टेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ सलाइवा लेक्टोफेरिन लाइसोजाइम इज बैक्टीरियोसाइडल

नाउ इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ फूड अगर मुंह में खाना रखा भोजन रखा तो सलाइवा आएगा ही आएगा ये इनबॉर्न रिफ्लेक्स है इनहेरिटेड रिफ्लेक्स है है ना ये होगा ही होगा ये सीखना नहीं पड़ता टेस्ट की रिस्पॉन्स में लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार हम स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं स्मेल करते हैं महसूस करते हैं सोचते हैं तो भी सलाई बात है वो एक लर्न रिस्पॉन्स है वो आप सीख चुके हैं कंडीशन रिफ्लेक्स है सो इन रिस्पॉन्स टू स्मेल साइट थॉट फील ऑफ फूड इट इज एक्वायर्ड रिफ्लेक्स इवन द साउंड ऑफ फूड बींग कुड घर में पहुंचे कढ़ाई में पकौड़े तले जा रहे हैं कान में वो आवाज आई मुंह में पानी आ जाता है तो आप पहले से उस स्वादिष्ट भोजन से फैमिलियर हैं तो आपको सलाइवा आया तो आपको ध्यान आएगा जी प्रवीण एसिनर सेल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे चिंता मत कीजिए पैनक्रियास के स्ट्रक्चर में सुनो मेरी बात सो सलाइवा सिक्रीशन दोनों तरह का रिफ्लेक्स है इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ द फूड इट इज इन बोर्न रिफ्लेक्स इन रिस्पॉन्स टू स्मेल साइट थॉट फील ऑफ फूड और साउंड ऑफ फूड बींग कु इट इज एन एक्वायर्ड रिफ्लेक्स नाउ जब आप स्ट्रेस में होते हैं हम डर जाते हैं किसी चीज से सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जब एक्टिव हुआ है हम कहते हैं ना डर के मारे गला सूख जाता है तो सलाइवा सिक्रिशन डिक्रीज हुई कॉम्पोजिशन वेरी कर जाती है ठीक है जी जब नर्वस सिस्टम है तो इट सलाइवा हम पढ़ेंगे आगे नर्वस सिस्टम में भी सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक के रोल मैंने पहले ही बता दिया लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरिक कुछ बच्चे इतने इनरेलीवेंट सवाल पूछते हैं ना इसका मतलब ध्यान से लेक्चर सुनते ही नहीं या फिर सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमारा नाम ले लिया जाए राइट अंडर एस्टिमेट मत कीजिए मे, मेरा एक्सपीरियंस आपकी उम्र से ज्यादा है, है ना मेरा एक्सपीरियंस पढ़ाने का आपकी उम्र से ज्यादा है तो स्मार्टनेस उतनी रखिए जितनी चलेगी बेहतरीन होगा कि आप एक अच्छे बच्चे बनकर हमारे इस के साथ जुड़िए ताकि आपका पूरा फायदा हो सके सोते समय सलाइवा ड्यूरिंग स्लीप सो बैक्टीरियल एक्टिविटी अप इन द बकल कैविटी रिजल्टिंग इन ड्रैगन ब्रेथ सांस की दुर्गंध जो है कहते हैं मैंने कारण बताया कि भाई बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ जाएगी ठीक है जी क्लियर है सो so आज के लिए इतना ही राइट right, अगले सेशन में आपको मिलूंगा इसोफेगस एंड स्टमक के बारे में बताऊंगा सो एवरी फ्राइडे 6 पीएम मैं आपके साथ लाइव होता हूं एंड एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे 5 पीएम लाइव होता हूं जेनेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं हम उसमें जरूर देखिएगा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए हमारा प्ले भी जरूर एक्सप्लोर कीजिए सेशन को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना मत भूलना नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर खुश रहिए पढ़ते रहिए नमस्कार